गाइस कोई काम है तो पूरा कर लो, फ्री हो तो व्लॉग देख लो। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कल की सुबह थी मचेल में और आज की सुबह गुलाबगढ़ में। ये देखो पीछे तुम्हें गुम्पा दिख रहा होगा, और अभी जो दो दिन की थकावट थी उसको दूर करने के लिए हम जा रहे हैं तत्ता पानी। ठीक है, एक जगह है तत्ता पानी, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं गुलाबगढ़ से। अब वहाँ का ऐसा माना जाता है वहाँ पे कि अगर हम वहाँ जाएंगे और तत्ता पानी में बैठेंगे, पानी है वो, एक गर्म पानी होता है वहाँ पर। अभी मुझे नहीं पता कैसा होगा क्या होगा, अब मैं बताऊँगा, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो जो थकावट होती है, जो हड्डियों की दर्द होती है, मैंने सुना है वो सब कुछ ठीक हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो अब हम जाएंगे और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का, और अगर वो चीज़ सच में हो गई ना तो मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। और ये चीज़ तो आज सबको ही होती है, तो तुम जाना अगर हुआ तो। ठीक है, पहले मैं खुद पे ट्राई कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो चलो फिलहाल अभी रविशु मेरे साथ है, बाकी सारे पीछे वो आ रहे हैं, तो अब हम निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। वो पहले आएंगे फिर हम निकलेंगे साथ। और मेरा दोस्त मुझे ऊपर रुक रहा है, वो वहीं रहता है, तत्ता पानी का ही है। मैं हमेशा कहता हूँ किश्तवाड़ से बहुत ज़्यादा डेवलप पार्टर है, और वो चीज़ अभी और दिख रही है यहाँ पर। गुलाबगढ़ में तुम्हें जिप लाइन देखने को मिलने वाली आने वाले कुछ टाइम में, यहाँ से उस पुल दरिया के पार दूसरी साइड वहाँ पे। ठीक है, तो देख रहे हो पार्टर के लोग कितना आगे चले जा रहे हैं। मतलब पार्टर अच्छा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हमारा एरिया है, खुश हैं हम। पर किश्तवाड़ भी होना चाहिए था, लेकिन किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है। वहाँ पर वो एक बिलबोर्ड लगा देते हैं फ्लाईओवर के ऊपर और बीच में से रोड को डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब थोड़ा डेवलपमेंट हो रही है भाई, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। ठीक है, वो जो गड्ढे हैं ना, उस जो डिवाइडर के साथ में गड्ढे हैं ना, वो गड्ढे नहीं होंगे ना तो वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, रोड अच्छे होंगे ना तो डेवलपमेंट होती है। और ये देखो यहाँ पर बन रहा है जिप लाइन, वहाँ पर लिखा भी आई लव जिप लाइन, क्या बात है, खुश हो गया। पानी पहुंच चुके हैं हम, बाकी सब ठीक है, पर बाइक कुछ मिसिंग कर रही है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। तो अभी दोस्त आएगा, फिर यहाँ से हम जाएंगे, अभी देखते हैं, या तो वाटरफॉल जाएंगे पहले, या तो अब नहाने जाएंगे पहले, देखते हैं क्या करते हैं, बताते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, आपको पता चल जाएगा। ये देखो वे टू वाटरफॉल 250 मीटर अहेड, बस इस साइड 250 मीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। पहुँच चुके हैं हम फिर से उस वाटरफॉल के पास। रास्ता देखो, ये असली रास्ता है, यहाँ से मिट्टी वाला पानी है यहाँ पर पूरा भी। ओहो, ठंडी हवा चली, ओहो भाई, आराम से। ये मेरा दोस्त रितेश्वर, इसको तो जानते होंगे, पिछले व्लॉग में आया, एक दो व्लॉग पहले, और इसके भी कुछ दोस्त आए साथ में। और सामने है वाटरफॉल, और वो जगह दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई, वो वाटरफॉल हो रही है यहाँ नहाने की जगह। और ये कुछ भाई अपने पार्टनर से ही, और वो देखो रविशु आ रहा है आराम आराम से। मैंने इसको बोला था चप्पल लगा कर, पर इसकी मर्जी। देखो चलो आप कपड़े खोलते हैं और शुरू करते हैं, तैयारी हो चुकी है। मैं अपनी निकर लाना भूल गया, पर अब मैं ट्राउजर में ही नहाऊंगा। और यहाँ पर मैंने गोप्रो सेट कर दिया है, अब ये गिरना नहीं चाहिए, बस ये थोड़ा सा बस टाइम लैप्स टाइप वो यूज होगा इसका, बाकी कुछ नहीं। तो चलो शुरू करते हैं।
भाई हमने नहा लिया कम से कम 20 मिनट और अब हम जा रहे हैं तत्ता पानी। मेरे घुटने का दर्द जो कल हो रहा था वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अब हम जाएंगे तत्ता पानी, वहाँ पर हम देखते हैं क्या हिसाब रहता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता पता चल जाएगा। ये देखो और ये है पीछे वाटरफॉल। करो गाइस है तत्ता पानी और ये है ना वो कुछ उठाते हैं कुछ क्या करते हैं इसको यहाँ पे हर 3 साल बाद चिटों से आते हैं 11 लोग 11 की नो आते हैं इतना मेरे को नहीं पता आते हैं हर 3 साल में हाँ। इसकी सफाई होती है इसको खोलते हैं जो नाग जैसे ना फिर पानी सूख जाता है वो साफ करते हैं हाँ, वो जो 9 बंदे होते हैं वो हर साल चेंज होते हैं हर एक गाँव मतलब उसी गाँव का हर एक बंदा आता है 3 साल में बट एक ही बंदा उनमें जो होता है वो मेन होता है वो हर साल आता है वही ज़्यादा पहले बीच में वो इसको खोल देता है फिर पानी सूख जाता है बट उसको कोई नहीं देख पाता है वो रात को आता है यहाँ पे 12-1 बजे साफ इसको साफ करने नहीं यार। अच्छा ये मैंने सुना था ना इसको उठाते हैं फिर ये पानी नीचे अब्सॉर्ब हो जाता है कैसे क्या होता है फिर वो आज ये सारा गर्म पानी है नीचे से बुलबुले नहीं दिख रहे देखो भाई जब इसको साफ करते ना तो यहाँ पे पूरा वो साफ दिखता है नीचे क्लियर पानी वहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है जो यहाँ बुड्ढी होती है उबलता हुआ पानी है क्या हाँ भाई उबलता हुआ देखना चेक करो भाई उबल रहा है पानी पानी उबल रहा है अब हम यहाँ पर थोड़ा नहाएंगे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई ये तो अल्टीमेट है कुछ अरे तो हेलमेट वहाँ पर रखी है तूने लगी क्या मुझे पानी में मुझे भी लगी हाँ यहाँ पर ना गर्म पानी इसकी वजह से थोड़ा स्मेल आती है स्मेल आती देखो भाई यहाँ पर दो कुंड सेक्शन कुंड है पानी कहाँ से आता दिखा रहा इसमें भी जाता है और यहाँ से इधर में इसमें भी जा रहा है ये वाला क्या होगा ये जो पानी निकल रहा है जो भी पीछे कुंड दिखा है वहाँ से निकल रहा है डायरेक्ट पानी हाँ वहाँ से यहाँ आता है वहाँ से यहाँ आता है ये वाला पानी ज्यादा गर्म है ये वाला थोड़ा एक्सपीरियंस करो अभी हम इस वाले में जाएंगे भाई इतना गर्म है ना यहाँ से लग रहा है पूरा फील हो रहा है अभी चलो हाँ भाई गर्म है तो गरम। काफी गर्म है यार आना नीचे मेरे को क्यों पकड़ रहा है सच में गर्म है यार इसमें तो बन नहीं रहा है मुझे आना सच में गर्म है घुटने में दर्द हो रही है यार बचपन में पता नहीं कौन बोलता था यही बोलता था शायद अगर हाथ डालोगे स्केलेटन बन के निकलेगा फ्रॉडी यही कीर्ति बोलता था भाई तू बोलता था मैं इसने बहुत कहानियां सुनाई बोलता था अगर उंगली डाल दी ना स्केलेटन निकलेगा वहां से उंगली का नहीं वो साइड में बोलता था ना उस साइड में कभी बिल्ली की थी नजर हां तो वो जाता था मर जाती होगी पूरी आप लोग कहाँ से हो आप यहीं के हो आप भी पार्टर से आप इतना पानी है ना इसमें मेरे को इतने पैर नहीं बन रहे डालने इतने पैर नहीं डालने बन रहे निकाल दिया यार हो गया था यार ये देखो इतने पैर नहीं बन रहे अभी तक इससे ऊपर नहीं बन रहा डालना इतने पैर गर्म भाई और तुम सोचो जो बंदा वहाँ जाता है वो उबलता हुआ पानी है उसमें कैसे जाता है बंदा गर्म पानी नहीं बन रहा है इतना गर्म है और ये वाला पोर्शन इससे ज्यादा गर्म है ये तो अभी लेट गया था ये देखो ये भाई भी लेटे हुए हैं लेटे थे लगभग लेट गए हैं अब भाई गर्म है यार मैं लेटा तो भी अच्छा मान इसमें जाने की कोशिश कर रहा है बहुत गर्म है भाई चलेगा आराम से हो जाएगा 2 मिनट होल्ड कर
फिर जा तो अंशुमन की अभी जल चुकी है अंशुमन की अभी जल चुकी है भाई ये कितना गर्म पानी है देख देख मेरे पैर लाल हो गए पूरे बॉडी डालना बहुत मुश्किल है कल से इतनी जलन हो रही है ना इसको भी ये तो अभी डाल ही नहीं रहा है ये क्या था ये वाली और बस रख दे पैर और बस अभी निकाल चल चल अंशुमन जा जा पानी नहीं है भाई गड्ढा हो गया अब तो जा सकता तू है ना गड्ढा हो गया सच में वो हां कर पहले तो अंशुमन अभी इसी में जाने की ट्राई कर रहा है जब मैं जाऊंगा तब दिखाएगा अपनी टोई डाल के बैठा है गरम है यार सीना आ रहा है ऐसे भाप से अब तेरी टांगे खींचूंगा ना मैं अंशुमन ने अपने टांगे गर्म कर दिए बट बॉडी गर्म नहीं कर पा रहा लगा नहीं था मुझे इतना गर्म अब लग गया जो हमने आपको पीछे कुंड दिखाया था ये पानी वहीं से आ रहा है डायरेक्ट और ये यहाँ जा रहा है पहले ये सेक्शन में जा रहा है और फिर उस सेक्शन से उसमें जा रहा है ये वाला ज़्यादा गर्म पानी है और वो वाला थोड़ा है इस वाले से कम है जब ये फुल हो जाती है तो ये ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे ये यहाँ से पानी आउट हो जाता है बाहर अभी थोड़ा सा चले गए अंदर अभी अंशुमन पूरे जाना पूरा जाएगा फिर मज़ा है भाई कोल्ड बात कुछ भी नहीं है हॉट बात के कोल्ड बात कुछ भी नहीं है इस बात के सामने भी रहा है। चल चल अभी फाइनली बैठ गया अंदर बड़ी हिम्मत करके अभी निकले शाबाश So guys, finally. पसीना गिर रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। अभी तो तेरे को पूरा लेटना है। बड़ा मुश्किल है भाई। अंश कैसा फील हो रहा है आपको अभी? कैसा फील हो रहा है? सीधे चुबा रहा है जैसे कुछ। कोई बात कुछ भी नहीं है। अंश के तो पसीने छूट गए। हाँ, पसीने छूट गए सच में। कोई बात कुछ भी नहीं है। इधर जो 5 मिनट बैठ गया तो सभी लेटने जा रहे हैं बनेगा चल 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 हो जाएगा आज का पेट लाल हो गया गुड 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 चल शाबाश गुड 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 तो फाइनली अभी हो गया कंप्लीट हमारा ओके चल शाबाश तो अभी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है इसकी हालत देखो अब क्या हो गई है लाल हो गया पूरा थक 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 दिल में इतना फास्ट चक्कर आ रहा है हाँ एकदम पानी ठंडा पानी रहता है बस ये तूने खारिश की इस वजह से लाल हो गए खारिश आ रही है तो क्योंकि तू बहुत देर गर्म पानी में बैठा ना हाँ कोल्ड बात कुछ भी नहीं है भाई ये बहुत जरूरी है मत मत कर सही बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था ये वाला मेरा नहीं ये उबलता हुआ और सोचो इसमें बंदे जाते हैं एक बंदा जाता है जो उसको साफ करता है पावर्स देख रहे हो ये होती है पावर्स और ये पता नहीं कहाँ से गर्म पानी आ रहा है कुछ पता नहीं अभी हम मंदिर में पहुँच गए नाग देवता का मंदिर है शेषनाग का मंदिर अब हम अंदर दर्शन करते हैं फिलहाल कैमरा बंद है तो भाई अब हमारी जाने की बारी आ चुकी है अभी तक हम रितेश्वर के घर बैठे थे अब रितेश्वर एक दो दिन बाद आएगा शायद किश्तवाड़ मैंने इसको बोला एक हफ्ते पहले आना लेकिन रुकना दो दिन
अच्छा तो अभी हम बैठे थे ऊपर, अंकल आंटी से भी मिल गया मैं और मज़ा आ गया। तो हम जाएंगे वापस क्योंकि मुझे रेबीज का एक टेटनस करवाना है और चलते हैं। ये मैं ही हूँ। तो अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। ओके रितेश्वर भाई, ओके बाबा जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो शुरू करते हैं अपनी राइड फिर से। क्या बोलते हैं इसे करो? नैनोटो इस जगह का नाम है। नैनोटो। चलो अभी हम फिर से नहाने जा रहे हैं यार एक जगह। हाँ नहीं बस चलेगा, 5 मिनट की गेम है। तो अब हम ये जगह याद होगी तुम्हें शायद अगर मेरी वीडियोस में थी इसमें ब्लॉग, हाँ ब्लॉग में भी थी। तो यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा सुंदर, मैं दिखा दूँ तुम्हें। फ्लो कम हो चुका है लेकिन जब मैं आया था लास्ट टाइम तब बहुत ज़्यादा था। आज यहाँ का फ्लो थोड़ा कम है पर ठंडी ठंडी हवा फिर से। ओहो चलो चलते हैं अंदर। लास्ट टाइम हमने उस साइड नहाया, नहीं नहीं यहीं पे नहाया। हाँ यहीं पे नहाया। देखो कितना कितना अच्छा पानी है, देखो ज़्यादा गहरा नहीं है ये वाला। यहाँ यहाँ से तो नहीं है। काफी टाइम पहले पहुंच गए, 3:50 पे हम पहुंचे थे मैं और अभिषेक और बाकी लोग तो अभी पहुंचे 8 बजे। और हमने अपनी राइड 1 घंटा और 50 मिनट में कंप्लीट की जिसमें हम 10-15 मिनट बीच में रुके और बहुत मज़ा आया। और सबसे खास बात मेरी बाइक जो कि मिसिंग कर रही थी वो तो उससे भी ज़्यादा लॉयल निकली, उससे भी ज़्यादा लॉयल, उससे धोखा नहीं दिया रास्ते। और यहाँ पर अभी पहुँच गए। कैसा रहा सफ़र? क्या क्या किया? 2 घंटे रुके, 3 घंटे रुके, गाड़ी में बैठ के रहे। क्यों? वो गए थे कहीं लाने सब्जी। सब्जी लाने 3 घंटे किसी के घर गए थे, वो बैठे वहाँ, हम गाड़ी में थे भाई। हम तो भाई चिल्लो कर आ गए, मज़े कर। कोई नहीं, हम आराम से आ गए थे। चलो अच्छा लगा वो आप। और हाँ तत्ता पानी वाली बात बताना भूल गया मैं, वहाँ पर एक बार जाने से कुछ नहीं होता है, वहाँ आपको बार बार जाना पड़ेगा, कम से कम 10 दिन वहाँ रहना पड़ेगा और वो कंटिन्यू वो चीज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद मसाज तेल से करना पड़ेगा तब जाके वो चीज़ें ठीक होती हैं, ऐसा मैंने सुना बाद में। गर्म पानी में गर्म भी गए तुम पूरा? वो यार मेरे बने नहीं, मैंने यहाँ तक कैसे, मैं पूरा गया हूँ। मैं भी गया था, वो एक आदमी क्या वो लेट गया था, 3-4 गए उसके पीछे, मगर हमें नहीं गया पूरा, मैंने टांची थे। भाई वो बहुत ज्यादा गर्म पानी है ना, बहुत ज्यादा गर्म पानी। लेकिन अब वो तो है, लेकिन जो तू बोल रहा है लेकिन उसमें ये सीन है ना कि थोड़ा है कुछ रिलीजियस टाइप होता है, पावर होती है। चलो अच्छा लगा वो लोग तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं रहा हूँ, देखते हैं बताता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।